गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन. स्टूडेंट्स, इन अर्लियर क्लास वी हैव रेड द राइम ब्रश 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 योर टीथ. एंड नाउ ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 देर इज़ अ क्वेश्चन. द टॉपिक इज लेट्स राइट. हियर द क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू मेक यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड इन द पिक्चर. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ द ऑफ ए हिप्पोपोटामस एंड अंडर इट देर इज रिटन द वर्ड हिप्पोपोटामस. आप लोगों की बुक में एक वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आप लोगों की बुक में एक बना हुआ था, आई मीन एक क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है और बाकी का आप लोगों को लिखना है. तो यहाँ पर जो ये वर्ड दिया हुआ हिप्पोपोटामस, उसके लेटर्स को यूज़ करके आपको बाकी सारे वर्ड्स को लिखने हैं. तो पहला वर्ड हम मैंने लिखा है टीओपी टॉप. टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर. सेकंड वर्ड पीओएसटी पोस्ट. पोस्ट का मतलब होता है भेजना. थर्ड वर्ड एसटीओपी स्टॉप. स्टॉप का मतलब होता है रुकना. एमएटी मैट. मैट मतलब चटाई. और लास्ट वर्ड मैंने बनाया है एसआईटी सिट. सिट का मतलब है बैठना. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, लिख कर रख लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किल व्हाट यू कैन कैरी इन योर स्कूल बैग. नाउ राइट द नेम्स ऑफ योर थिंग्स इन द बॉक्स बिलो. तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखेंगे और मैं जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कह रहा है कि ये जो सारे फिगर्स बने हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है रूलर, शार्पनर, पेन, वाटर बोतल, इरेजर, स्पेक्टिकल्स, आइसक्रीम कोन, टिफ़िन, पेंसिल, पेपल्स, टॉय, बुक्स, और यहाँ पे आप बीच में है ये आपका बैग. तो इस तरह का फिगर आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे. तो आपको इस फिगर में ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने बैग में रख सकते हो और रख कर उसे स्कूल ले जा सकते हो, तो आपको ये बताना है. तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं जिसको कि हम अपने बैग स्कूल बैग में ले जा सकते हैं, वो वर्ड्स हैं. द फर्स्ट वर्ड इज़ रूलर. दैट मीन्स यू कॉल इट स्केल. सेकंड वर्ड इज़ पेन. थर्ड बुक्स, शार्पनर. द फोर्थ वन इज़ शार्पनर. फिफ्थ इज़ पेंसिल. सिक्स टिफिन. सेवन इरेजर. एट वाटर बोतल. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हम लोग कौन कौन सी चीज़ों को अपने स्कूल में यूज़ करते हैं. तो हम लोग रूलर यूज़ करते हैं, शार्पनर यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, इरेजर यूज़ करते हैं, वाटर बोतल भी यूज़ करते हैं, लेकिन बैग में नहीं रख बैग में भी रखते हैं और बैग में रख कर स्कूल लेकर आते हैं, लेकिन हम लोग चश्मा पहन कर आते हैं इसलिए उसको बैग में नहीं रखेंगे. आइसक्रीम कोन हम नहीं ले जाते हैं स्कूल तो उसको नहीं लिखेंगे. और उसके बाद टिफ़िन है. टिफ़िन हम रोज़ लेकर आते हैं स्कूल तो उसको बैग में रखते हैं तो वो उसको लिखेंगे. और उसके बाद फिर पेंसिल है, पेबल्स है. तो पेबल्स मतलब कंकर पत्थर, ये हम लोग बैग में नहीं रखते. खिलौने नहीं रखते हैं, बुक्स रखते हैं. तो इसमें आपको देखकर बताना है तो क्या आप अपने बैग में रखते हैं और क्या अपने बैग में नहीं रखते हैं. तो उसी का आंसर मैंने यहाँ लिखा है रूलर, पेन, बुक्स, शार्पनर, पेंसिल, टिफ़िन, इरेजर और वाटर बोतल. उसके बाद हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ. 6 की तरफ जाने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है लेट्स डू. हेडिंग इसका क्या है, लेट्स डू. तो क्वेश्चन है व्हाट आर द चिल्ड्रेन डूइंग. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द रिबन एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. तो आपको जो ये रिबन दिया हुआ है बुक में उसमें से सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको करेक्ट वर्ड यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में ब्रैकेट
ब्रैकेट से चुनकर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। ब्रैकेट नहीं है, ये रिबन है, और रिबन में से चुनकर आपको फिल इन द ब्लैंक्स ब्लैंक्स में सारे भरने हैं। तो फिगर, आप फिगर के लिए आप अपनी बुक में देख लेंगे, फिगर आपकी बुक में दिया हुआ है अच्छे से। तो पहले फिगर में जो है बच्चे लोग नाश्ता कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटिंग ब्रेकफास्ट। रिबन में से हम लोग ईटिंग वर्ड को लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे ब्रेकफास्ट। सेकेंड फिगर में हम लोग देखेंगे कि एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे राइडिंग ए बाईसाइकिल। थर्ड फिगर में हम देखेंगे कि एक बच्चा स्कूल जा रहा है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गोइंग टू स्कूल। फिर फोर्थ फिगर में हम देख रहे हैं कि बच्चा अब अपना लंच शेयर कर रहा है, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और अपना लंच शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे शेयरिंग विथ फ्रेंड्स। एंड फिगर नंबर फाइव में हम देख रहे हैं कि बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टडिंग इन क्लास। और फिगर नंबर सिक्स में हम देखेंगे कि बच्चा घर स्कूल से घर जा रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। वो बच्चा घर से रिटर्न होकर स्कूल से रिटर्न होकर घर जा रहा है। घर से तो वो जाता है स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा, और जब स्कूल से वो घर आएगा तो रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यहाँ पे आप मेरी बातों पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लास्ट एंड टॉपिक है इस चैप्टर का, लेट्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ कर्सिव राइटिंग में आपको ए बी सी डी लिखा, ई एफ लिखा तक लिखा हुआ है, आपको इसको कॉपी पर प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए हैं उसको आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेकर या फिर मेरी वीडियो को रोककर आप अच्छे से उसको राइट डाउन कर लेंगे। द फर्स्ट पेज आई हैव डाउट इज़ पेज नंबर 4-5। तो इस तरह से ये 4-5 है, और उसके बाद ये है 5 और 6। तो इस तरह से आप अपनी बुक की टेक्स्ट बुक पे देखेंगे, ठीक है। तो आगे की पढ़ाई अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई में मन लगाइएगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट।